जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर वन में भी आते हैं, इसके बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं जो पेपर टू में भी आते हैं। हम लोग क्लास सिक्स सेवन से वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, और अगर हम इसको देखें तो ये पूरी एक लिस्ट है जो वर्ड प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकती है। बेसिकली मैंने क्लासीफाई किया है कि वर्ड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, और आप सबको पता है कि ये टॉपिक जो है ये मुश्किल नहीं है, बस इसमें ये होता है कि पेपर में चूंकि ये बहुत ज़्यादा आता है तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। फ्री के मार्क्स होते हैं, तो सबसे पहले जो लोग अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है वर्ड प्रॉब्लम्स की हेडिंग डालकर ये वाली लिस्ट कॉपी कर लें, ये वाली लिस्ट कॉपी कर लें। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं सिंपल इंटरेस्ट, एक कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये टॉपिक 2018 में सिलेबस में दोबारा ऐड हुआ था, ये सूद के बारे में टॉपिक है। बेसिकली दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये होता है कि आपने बैंक में 100 रुपए रखे और आपने बैंक में 100 रुपीज रख दिए, बैंक ने आपसे कहा कि जी हम 10% देंगे तो 100 रुपए पे आपको 10 रुपी मिलते रहेंगे, दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आपने पैसे रखे होते हैं उसमें जो आपका प्रॉफिट आता है वो ऐड हो जाता है, और वो फिर उस एडिशन के बाद जो टोटल आता है उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है। ये दो तरह के इंटरेस्ट हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारे कोर्स में शुरू से है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये पहले सिलेबस में था फिर निकल गया और अब ये 2018 में वापस आया है। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी,
सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखें। सिंपल इंटरेस्ट का ये वाला फॉर्मूला है, ये कॉपी कर लें। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला कॉपी कर लें। सॉरी लाइन ब्रेक हुई थी। आप ये फॉर्मूला कॉपी कर लो। ये फॉर्मूला यूज होता है, ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला यूज होता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। न्यू अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। जब आपको नया अमाउंट निकालना हो तो आप उसमें सब लोग ये वाला फॉर्मूला कॉपी करिएगा। ये वाला फॉर्मूला न्यू अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये वाला फॉर्मूला कॉपी करें। देखिए अब हेडिंग डालिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन, वेयर पी इज द अमाउंट इन्वेस्टेड, आर इज द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन इज द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा अब ये टेक्निकल बात याद रखिएगा कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है इंटरेस्ट मिला के आपके पैसे कितने हो गए। अगर आप इसको
ये फॉर्मूला वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल देगा, देखो अगर तुम्हें खाली इंटरेस्ट निकालना हो तो फिर फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, अगर तुम्हें वो कहता है कि तुम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालो तो ये फॉर्मूला है, और अगर तुम खाली इंटरेस्ट निकालना चाहते हो तो फिर ये फॉर्मूला है। ये भी कॉपी करिएगा नोट्स में।
ठीक है, अब हमने इंटरेस्ट का फॉर्मूला बना लिया। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर वन में भी आते हैं, पेपर टू में भी। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट डू नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। अगर सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का आ जाए तो जाहिर आप येला फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे। सॉल्व एवरी ईयर सेपरेटली और यूज इट्स फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट को हर साल का अलग अलग भी निकाल सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला कॉपी करवाए हैं वो भी यूज हो सकता है। ये वाला बॉक्स भी नोट सेक्शन में आएगा। अब जब एग्जामिनर कहता है 5% इंक्रीज, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? 105/100 इनटू गिवन अमाउंट कर दें, उससे 5% का नया नंबर आ जाएगा। अगर सपोज 5% का लॉस हो जाता है तो फिर आप करोगे 95/100 इनटू गिवन अमाउंट। ये परसेंटेज को डील करने का आसान तरीका है कि परसेंटेज इंक्रीज हो या डिक्रीज, आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। ये भी नोट्स में आएगा। डायरेक्ट मेथड, अब सपोज करो रेट दिया हुआ है 5%, प्रिंसिपल अमाउंट है 800, और आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के मुताबिक कितना पैसे हो जाएंगे। ये वाली एग्जांपल कॉपी करिएगा। कर
रेट दिया हुआ है 5% और प्रिंसिपल दिया हुआ है 800 रुपीज, ठीक है। तो अब आपसे वो कह रहे हैं कि आप 3 साल का टाइम है, तो अब आप ये अमाउंट निकालो। तो अब आप देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, 105/100 × 3 × 800, तो इसका मतलब है कि 800 रुपये जब डालेंगे, 800 रुपये या डॉलर जो भी है जब आप पुट करेंगे, तो ये 3 सालों के बाद हो जाएंगे 926.1। ये वाली वर्किंग शेयर करिएगा, ये बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है इसके लिए। तो ये मेथड आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे यूज कर लोगे और इससे आपको डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो हमने इसकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल ली कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाकर। ये इसका एक आसान तरीका है पावर लगाकर, और इससे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलें अब हेडिंग डालिएगा प्रॉफिट एंड लॉस यूनिट नंबर 1B, और उसमें ये क्लास 6-7 वाले फॉर्मूलाज हैं, बहुत फेमस हैं, ओ लेवल से भी पहले के हैं आपके पास, लेकिन बहरहाल एक रिकॉर्ड बना लेना चाहिए ताकि रिवाइज करते वक्त आपके पास पूरा एक कंप्लीट रिवीजन सेक्शन हो, नोट सेक्शन हो। ये वाली चीज कॉपी करिएगा।
अब देखो कि अब मैं क्वेश्चन रख रहा हूं, ये है नवंबर 04, ग्रीन वाली जो बुक है, ग्रीन वाली बुक जो है, अगर वो किसी के पास है तो वो लेकर आ जाए। ग्रीन वाली बुक अगर किसी बच्चे के पास है तो, जैसे तहा ने मेरी हेल्प की थी अभी एडमेस वाली क्लास में, अगर तहा तुम्हारे पास है ग्रीन वाली बुक तो ये यूनिट नंबर 1B है, बुक का क्वेश्चन 39। अब मुझे इस क्वेश्चन की पिक्चर, एक पिक्चर चाहिए, मुझे इसकी यूनिट नंबर 1B है। आप यूनिट नंबर 1B है और इस क्वेश्चन की मुझे एक पिक्चर चाहिए। अगर इसकी कोई पिक्चर मुझे प्रोवाइड कर सके, मेरे पास इसकी पिक्चर इमेज नहीं है ना, ये ईयर नंबर मैच हो रहा है। देखो, अगर आप
अब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो मैंने सेलिंग प्राइस को सपोज कर लिया एक्स, प्रॉफिट जो है वो 350% है, एक्स निकालना है। तो अगर आप इसको शुरू करें कॉस्ट प्राइस से $50, अब शुरू कैसे करें कि $50 को ले लेता हूं 100%। ये तरीका बहुत फेमस है, बट मैं आपको याद दिलाऊं कि जो पुरानी प्राइस होती है ना, शुरू वाली प्राइस को हमेशा ले लेते हैं 100% और परसेंटेज पर नई प्राइस ले आते हैं। अब निकालनी नई प्राइस है, तो इसका मतलब है कि ये चीज जो आपने $50 में खरीदी है, ये 175 जो है उसका अमाउंट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और वो चीज फिर आप बेच रहे हैं $225 की। ये वाली वर्किंग देखें सब लोग, क्वेश्चन वहां से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अब ये वाली स्क्रीन देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, प्रिंसिपल है $400, रेट है 10%, टाइम है 3 इयर्स। अब आप लोग मुझे पार्ट बी करके दो, फॉर्मूला लगाना है बस। अब देखो इसका एक तरीका समझो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तरीका भी सीखना चाहिए, हालांकि ये लंबा तरीका है, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। एक तो मैंने आपको अभी बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाला, वो देखो। एक तरीका ये कि आप पहले साल पे जाओ, 10% का मतलब है 110 upon 100 into 400, 440 आ गया। अच्छा, ये तरीका क्यों सीखना चाहिए, इससे असल में ये समझ आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और नॉर्मल इंटरेस्ट में क्या फर्क है। जब आपका आंसर आ गया पहला 440, तो अगला परसेंटेज 440 पे लगेगा, 400 पे नहीं लगेगा, बल्कि 440 पे लगेगा, और 440 से 484 आ जाएगा। तो ये वाली वर्किंग देखो जरा, ये कॉपी करो।
फिर थर्ड ईयर पे आ जाओ, अब जो पिछला आंसर आया था ना 484, उसका 110% कर दो, आपके पास आ गया 532.4, 532.4 आपका अब देखो आप इसको तीसरे साल पे ले जाओ और तीसरे साल की भी मैनुअल एंट्री कर लो, तीसरे साल की भी मैनुअल एंट्री करो, 110 अपॉन 100 इंटू 484 डॉलर 532.4। अब इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं कि जो 532.4 आया है उसमें से ओरिजिनल अमाउंट माइनस कर दो, इंटरेस्ट मिलाकर आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ये है, उसमें से आप अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो तो ये आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसको कहते हैं मैनुअल मेथड। ये वाली वर्किंग शेयर करें, sir, can you repeat as to why we subtract 400 from 532? 400 मेरी इन्वेस्टमेंट है जो मैंने बैंक में रखी थी, 400 उस बंदे की इन्वेस्टमेंट है और इंटरेस्ट मिलाकर उसकी नई वैल्यू आ गई 532.4, तो उसको जो इंटरेस्ट मिला वो ये है। अगर आप बैंक में 100 रुपए रखें और वो इंटरेस्ट के बाद 110 हो जाए तो आपका इंटरेस्ट तो 10 रुपए ही होगा ना, इतने सारे अब देखो इसका डायरेक्ट मेथड देखो, तुम ये फॉर्मूला कॉल करो ये वाला और इसमें सारी वैल्यूज प्लग इन कर दो, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं।
अब देखो इसका आंसर आ रहा है 132.4। ये वर्किंग देखें, अब निकालो जून 06 पेपर 17 ग्रीन बुक में 47 है, ये 49 है सॉरी। चलो अब ये वाला ईयर नंबर नोट कर लो, ये वाला ईयर नंबर नोट कर लो,
अब ये वाला देखिए, परसेंटेज परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ये वाली, अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा और उसमें ये वाला पेज नंबर, सॉरी ये वाला ईयर नंबर भी कॉपी करें। नवंबर 08 पेपर 2-1। इन जून 06 पढ़े, इन जून 06 इन 2006 द कॉस्ट ऑफ फ्यूल वाज 91.8 सेंट्स पर लीटर। Calculate the maximum number of whole liters that could be bought for $15. सब लोग पहला वाला पार्ट देखें, पहला वाला पार्ट कर, फर्स्ट पार्ट करके दें। देखो, कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ होल लीटर्स दैट कुड बी बॉट फॉर $15। मैंने क्या किया, 91.8 सेंट का एक लीटर है तो 1500 सेंट्स, $15 का मतलब 1500 सेंट्स हो गए। मेरे पास आंसर आया 16.339। उसने बोला था होल नंबर ऑफ लीटर्स में, तो मैंने फिर आंसर को राउंड कर दिया। बैकवर्ड राउंड करना पड़ता है क्योंकि फिजिकल राउंडिंग तो आगे नहीं जा सकती ना, तो मैंने इसको होल नंबर में राउंड कर दिया। तो इसके साथ ये वाली वर्किंग शेयर कर लें। आपको
लग रहा हूँ ना तो आप उतर के भाग जाते नहीं सर, मैं अगर साइड लग भी रहा हूँ तो मैं सर डूब जाऊंगा, डूबना पसंद कर ये इसका पहला पार्ट हमने किया, अब इसका दूसरा पार्ट देखो। देखो ऑन एवरेज अ कार ट्रेवल 21 किलोमीटर ऑन 1 लीटर ऑफ फ्यूल ड्यूरिंग 2006। This car traveled 19,200 kilometer in 2007. The car traveled the same distance. Calculate the extra cost for fuel in 2007. Give your answer to the nearest dollar. अब ये रेशो में करो. 21 किलोमीटर गाड़ी का एवरेज क्या है? 21 किलोमीटर गाड़ी का एवरेज है 21 किलोमीटर ऑन 1 लीटर ऑफ फ्यूल. अब ये रेशो लगाओ. देखो परसेंटेज इंक्रीज कैसे होगी. अच्छा इसमें मैंने कोई पार्ट मिस किया है, सॉरी. कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ फ्यूल. सॉरी, तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला लगाएं, ऊपर रखें इंक्रीज, नीचे पुरानी वाली वैल्यू इनटू 100. ये वाली चीज मैं मिस कर गया था पार्ट टू का ए. On average, a car traveled 21 kilometer on 1 liter of fuel. ये basically गाड़ी का average है. 2006 में car traveled 19,200 kilometer. 2007 में गाड़ी का distance तो वही है, लेकिन fuel थोड़ा बढ़ गया ना, क्योंकि अब fuel कितना हो गया? अब fuel हो गया 91.8 था, अब वो हो गया है, आप अगर उसको देखेंगे तो fuel की price में 4 सेंट बढ़ गए. तो अब वो कह रहे हैं कि बताओ fuel cost कितनी आई है. अब तुम वर्किंग शुरू करो, नंबर ऑफ लीटर कितने लगेंगे. 19,200 अपॉन 21 लीटर आ गए मेरे पास. 2006 में मैंने कॉस्ट निकाली पर लीटर की एवरेज से, फिर 2007 में कॉस्ट हो गई 95.8 सेंट पर लीटर, और मैंने उसका बिल बनाया और उसके बाद नया बिल आ गया. दोनों बिल्स को माइनस किया तो मुझे पता चल गया कि एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आ रही है अगले साल वो ये है. सब लोग ये वर्किंग चेक करिएगा.
सब लोग ये वर्किंग देखें. इन 2006 द कॉस्ट ऑफ फ्यूल वॉज 10% लेस देन द कॉस्ट इन 2005. 2006 में जो कॉस्ट है वो 2005 से कम थी 10%. कैलकुलेट द कॉस्ट इन सेंट्स पर लीटर इन 2005. तो अब ये 10% कॉस्ट कम करनी है ना. तो अब मैंने आपको क्या तरीका समझाया कि अच्छा ये उसी सवाल को करने का एक और तरीका भी है, वो जो मैंने अभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सिखाया था कि आप डायरेक्ट भी रेशो कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 4% कॉस्ट बढ़ी है, 4/100 करके भी उसको कर सकते हो, तो ये भी एक तरीका है. अच्छा अब देखो इस सवाल में आओ, तुम सपोज कर लो कि जो 2005 की जो पुरानी वाली कॉस्ट है वो एक्स है, हमेशा एक्स को 100% लो और फिर उसको 90% करके रेशो कर दो. 90% क्यों? क्योंकि 10% 2005 में जो कॉस्ट है उसको आगे लेकर जाएंगे तो वो 10% कम हो जाएगी. ठीक है, फिर आज का काम हम यहीं तक रोक लेते हैं और हम इसको इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे.